एंड तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम लोग एलसीएम कैसे इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने इसमें दो ट्रिक से बनाया, तो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले ट्रिक में क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन दिया है 5, 5, 10, 15, तो इसे हम लोग पहले 5 से कटेंगे। पहले सबसे छोटे नंबर से देखेंगे जिसमें कि तीनों कट जाए, अगर नहीं कटता है तो कोई ऐसा नंबर देखेंगे जिससे कि दो कट जाए, दो भी नहीं कटे एक कट जाए तो ठीक है, एक भी कटाना है ठीक। तो पहले 5 से हम लोग कटेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। अब यहाँ पे 2 और 3 आ गया, उसके बाद हम चाहेंगे तो 2 से 2 1 2 भी कटा सकते हैं, उसके बाद 3 से 3 1 3 भी कटा सकते हैं। एलसीएम में आप लोगों को अगर इस टाइप से कटाना है तो आपको तक तक इसको कटाते रहना जब तक नीचे 1 नहीं आ जाए। जब इस टाइप से 1 आ जाए सारे में, उसके बाद आपको जिस साइड में आपने नंबर से सॉल्व किया उसे मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि मैंने कर दिया 5 × 2 × 3 तो इज इक्वल्स टू 30। ये हो जाएगा हमारा एलसीएम, 30 जो होगा वो हमारा एलसीएम होगा। ये पहला ट्रिक है। और सेकंड ट्रिक में अगर आपको छोटा सा ही बनाना है तो उसके लिए मैंने वही क्वेश्चन रखा है 5, 10, 15, तो उसमें क्या होगा, इसमें 5 1 5 बाकी बचा 2 और 3। तो हम लोगों ने क्या किया था, ऊपर में 2 और 3 को ही वो किया था, यानी कि 2 और 3 को ही हम लोग ने कटाया था। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 5 × 2 × 3 कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2 और 3 को ही फिर बाद में उस साइड में लिख के कटाना है, तो उतना लंबा खींचने से बढ़िया है कि 5 × 2 × 3 कर देंगे। तो दोनों में एलसीएम सेम ही आएगा, जैसे कि सेकंड ट्रिक में भी 30 आया। तो आई होप आप लोगों को इस छोटी से वीडियो में एलसीएम कैसे बनाना है वो आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।